नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा अजीज इनसाइड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया क्या होता है? इसको हम आयुर्वेद की भाषा में सफ़ेद प्रद कहते हैं और हिंदी में हम या बोलचाल की भाषा में इसे सफ़ेद पानी या कमजोरी कहते हैं। ये सामान्यतः एक जेनाइटल एरिया से एक लुब्रिकेंट जैसा निकलता है। जब ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो ये बहुत ही गाढ़े और बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा निकलने लगता है। इसका कारण अब हम जान लेते हैं इसका क्या कारण है। कारण भी बहुत सारे इसके कारण, सबसे पहला कारण होता है हाइजीन ना मेंटेन करना, दूसरा डाइट अगर अच्छी नहीं होती है इसकी वजह से भी होता है, और बहुत ज़्यादा चिपकी ड्रेस जैसे लेगिंग जैगिंग्स और डेनिम्स इस तरह के ड्रेस पहनने की वजह से भी, गर्मियों में स्पेशली तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तीसरा कारण, बहुत जिन्हें टीबी या डायबिटीज जैसी बीमारी है उससे जो ग्रस्त हैं उसे भी ये दिक्कतें होती रहती हैं या उन्हें ये इनसे परेशानी होती है। दूसरा प्रोलैप्स हुआ, यूट्रस इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस हो गया, एंड सर्विक्स सर्विसाइटिस जिसे कहते हैं, सर्विक्स में सूजन हो जाना। और दूसरा ये भी कारण है कि एक एबॉर्शन भी इसका भी बहुत बड़ा कारण होता है, जिससे बार बार एबॉर्शन होने की वजह से भी ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है और बार बार जिन्हें जल्दी जल्दी बच्चे होते हैं या डिलीवरी होती है उन्हें भी दिक्कत हो जाती है। अब हम जान लेते हैं घरेलू उपचार में आप ले सकते हैं फिटकरी। उसको आप क्रश कर लीजिए, पाउडर बना करके रख लीजिए और जब वॉशरूम में जाइए, जब भी यूरिन डिस्चार्ज करिए, थोड़ा सा फिटकरी एक एक चुटकी भर एक आधे ग्लास पानी में डाल करके, ताज़ा पानी लेना है, इसके लिए गर्म पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, और उसी से धुलाई कर लेना है। धुलाई करने के लिए बिल्कुल आप यूरेथ्रा से लेकर के एनस तक अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद से एक सूती कपड़े से आप उसे दबा करके पोंछ लेना है, ड्राई कर लेना है, ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद से फिर आप ये काम आप सुबह शाम या जितनी देर आप वॉशरूम जाते हैं उतनी बार आप यूज कर सकते हैं, ये इससे आपका हाइजीन मेंटेन हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपको आंवले का स्वरस सुबह शाम 20-20 ml लेकर के, 20 ml दवा और आंवले का स्वरस और 20 ml पानी लेकर के आपको इस्तेमाल करना है। आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं। दूसरा आंवले का चूर आता है जो आप आधे चम्मच सुबह शाम मधु के साथ ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। इसमें चंद्रमा वटी 1 से 2 गोली सुबह शाम, दूसरा आप प्रदांतक लौ ले सकते हैं 1 से 1 गोली सुबह शाम, और इसके साथ सुपारी पाक आता है पाउडर के रूप में, चूर के रूप में आता है, इसे आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। और अशोका रिस या पत्रागासन, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। इसको 20-20 ml सुबह शाम, 20 ml दवा और 20 ml पानी, इसको खाना खाने के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो जो भी मैंने औषधि बताई, अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो 100% इसका रिजल्ट मिलेगा।